धन्यवाद धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे हमारे विपक्षी खेमे, हमारे इंडिया अलायंस के साथियों द्वारा इस लोकसभा में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपने विचार रखने का अवसर दिया। सभापति महोदया, ये अविश्वास प्रस्ताव कितना आधारहीन और निरर्थक है, ये केवल इस तरफ के नहीं बल्कि उस तरफ के लोग भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। और स्वयं हमारे विपक्ष के साथियों की, हमारे इंडिया अलायंस के साथियों की स्वीकारोक्ति है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या है, समर्थन है और इस प्रस्ताव से सरकार की स्थिरता पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस देश की जनता को ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों की जनता को आज के इस उभरते हुए नए भारत की शक्ति पर यकीन है। आज भारत दुनिया के तमाम देशों के लिए एक उदाहरण बन चुका है और यही कारण है कि आज दुनिया के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 14 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री को अलंकृत किया है। लेकिन फिर भी हमारे विपक्ष के साथी परेशान हैं, हमारे विपक्ष के साथी बहुत दानी जी, अपनी व्याकुलता को थोड़ा विश्राम दीजिए, सुनने का धैर्य रखिए, सुनिए, मैं सबकी बात धैर्यपूर्वक सुनती हूँ, बिना किसी को हैकल किए, इसलिए सुनिए। अध्यक्ष महोदया, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि भारत, करोड़ों भारतवासियों को सरकार पर विश्वास है, दुनिया के देशों में भारत उदाहरण बन रहा है, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी इस लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में आपकी कोई आस्था है ही नहीं और ये पूरा देश जानता है। सदन में आपका आचरण, आप जिस तरीके से संसदीय परंपराओं का अपमान करते हैं, शोरगुल करते हैं, बहिष्कार करते हैं, सदन को चलने नहीं देते हैं, हर चर्चा से आप भागते हैं, कोई ना कोई नया बहाना बनाकर, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। अध्यक्ष जी, 16वीं लोकसभा में मैं पहली बार सांसद बनके यहां आई थी 2018 में, चुनाव के ठीक एक वर्ष पूर्व अविश्वास प्रस्ताव इसी प्रकार हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा लाया गया और अब देखिए 2024 में चुनाव है, 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव आ गया। अध्यक्ष महोदया, ये बार बार अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के पहले आता है, ये बड़ा खास हथकंडा है और हमारे विपक्ष के साथी जो इस समय बहुत निराश है, जो हमारे एनडीए गठबंधन की स्थिति है, हमारे विपक्ष के साथियों के अंदर हताशा है, हम सब जानते हैं, और फिर इस चुनावी हथकंडे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद ऐसा करके हमारी राजनीतिक जमीन मजबूत हो जाएगी, शायद चुनाव से पहले कोई ना कोई अप्रत्याशित चुनावी लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा और इसी कारण बार बार इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं अपने विपक्ष के विद्वान साथियों को इतना ही कहना चाहती हूं कि आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जब जब आप हमारी सरकार के ऊपर, हमारे एनडीए गठबंधन के ऊपर और मोदी जी की लीडरशिप के ऊपर अविश्वास व्यक्त करते हैं, तब तब देश की जनता आने वाले चुनाव में अपने और भी बड़े विश्वास से आपके अविश्वास को खारिज करने का काम करती है। अध्यक्ष महोदया, 2014 से बड़ा जनादेश हमें 2019 में प्राप्त हुआ, ये मैं अहंकारवश नहीं कह रही हूं, ये सत्य है,
और 2019 से बड़ा जनादेश 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त होगा। यह अहंकार नहीं है और यह कोई जुमला भी नहीं है, यह जनता के विश्वास के कारण मैं कह रही हूं। अध्यक्ष जी, मैं अपने विद्वान विपक्ष के साथियों से कहना चाहती हूं कि जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए जनता के मन में उतरना पड़ता है, और 9 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने कार्यों से, जनसेवा के जो कार्य हमने किए, जनता के कल्याण के जो कार्य हमने किए, हमने जनता के दिल में जगह बनाई है। और जनता के मन में जगह बनाने के कारण मैं कह रही हूं कि 2019 से बड़ा जनादेश हम 2024 में लेकर आएंगे। मैंने पहले भी कहा कि आपके आचरण, आपके रवैये को भी देखा है, देश की जनता ने देख रही है, और हमारे विकास के मॉडल को भी देखा है। हमारा विकास का मॉडल जिसके केंद्र में है गरीब का कल्याण। अध्यक्ष जी, इस वर्ष हम आजादी के 76 वर्ष पूरे करेंगे। संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। आजादी के 76 वर्षों में भी क्या देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे मूलभूत सुविधाओं की गारंटी ना हो? हमारी सरकार ने, मुझे गर्व है, इस बारे में सोचा। 3 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास, 12 करोड़ शौचालय, 12 करोड़ नल से जल का कनेक्शन, कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज, 48 करोड़ से ज्यादा बैंकों के खाते, 3 करोड़ से ज्यादा बिजली के कनेक्शन, 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस के सिलेंडर, 23 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन से पूछना चाहती हूं, ये कौन लोग हैं समाज का, ये कौन सा तबका है जिसके पास आजादी के बरसों बाद सिर पे छत नहीं, पीने को पानी नहीं, जहां महिलाएं एक शौचालय के लिए तरसती हैं, जिनके पास बैंकों में खाते नहीं, बैंकों के दरवाजे जिनके लिए बंद हैं, जो बीमारी में इसलिए मर जाते हैं क्योंकि इलाज के पैसे नहीं? कौन सा तबका है ये? ये समाज का वो वर्ग है जो दलित है, पिछड़ा है, कमजोर है, वंचित है, सालों तक वंचित रहा है, और उसके लिए, उसके हितों के बारे में मोदी जी की सरकार ने सोचा है। अध्यक्ष जी, ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं जो शायद हमारे विपक्ष के साथी समझकर भी समझना नहीं चाहते। लेकिन जो देश का दलित है, पिछड़ा है, गरीब है, वंचित है, जिसने सही मायनों में समझा नहीं कि भारत के लोकतंत्र और आजादी का सुख क्या होता है, उसको इन आंकड़ों की कीमत समझ में आती है, इन आंकड़ों का महत्व समझ में आता है। हमारे विपक्ष के साथी स्वीकार करें ना करें, लेकिन एनडीए सरकार के गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को वैश्विक संस्थाओं द्वारा मान्यता मिली है। सभापति महोदया, आईएमएफ ने हाल ही में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने का श्रेय मोदी जी की सरकार को दिया है। दुर्भाग्य है, आप इन उपलब्धियों को नहीं देख सकते, ना हमारे प्रयासों को देख सकते हो, ना हमारी मंशा को स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या सच से मुंह फेर लेने से सच बदल जाता है? अध्यक्ष महोदया, दबी जुबान से ही सही, खुले मन से ना सही। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी ये स्वीकार तो करेंगे ही कि हमारी सरकार ने गरीब का कल्याण किया है और सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पे जीने वाले लोगों की पीड़ा को समझा है। ये राजनीति का वो युग है मोदी जी के राज में, जहां वंचित वर्गों को सबसे निचले पायदान से उठाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के एक नहीं अनेक प्रयास हुए हैं। सामाजिक न्याय के मापदंडों पर हमारी सरकार ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसको आने वाली सरकारों को अनुसरण करने की आवश्यकता है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति के पद को कौन सुशोभित कर रहा है? सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले पायदान से आने वाली परम श्रद्धे राष्ट्रपति जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये लोकतंत्र की ताकत नहीं तो और क्या है? अध्यक्ष, सवाल यह है कि पहले की सरकारों में ऐसी पहल क्यों नहीं हुई?
एक आदिवासी महिला लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद पर आसीन हो, ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? क्या भारत का लोकतंत्र चंद अभिजात वर्गों की बपौती है? अध्यक्ष महोदया, मोदी जी की सरकार ने इस भ्रम को तोड़ के रख दिया है। हमारे मंत्रिमंडल को देखिए और आज मंत्रिमंडल में पिछड़े, दलित, वंचित की भागीदारी को देखिए। पूर्व की सरकारों के मंत्रिमंडल के स्वरूप को भी स्मरण कर लीजिए। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है। कितने पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों का आपने मंत्री बनाया था। पीछे की पंक्ति में बैठने का काम नहीं करेगा इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अग्रिम पंक्ति में आकर बैठेगा। ये मोदी जी ने व्यवस्था को बदलने का काम किया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इसमें पिछड़े वंचित समाज के बच्चे भी जाकर पढ़े, ये पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा? रोका था क्या आपको किसी ने? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग अध्यक्ष जी, हमारे विद्वान साथी हैं, कितने वर्षों तक इस संसद के अंदर उठी है? क्या कुछ काम हुआ उस पर? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसका तो जवाब दो। अरे 2011 में आपने क्यों नहीं कराई? 2011 में आपने क्यों नहीं कराई? 2011 में जातीय जनगणना आपने क्यों नहीं कराई? आपको किसने रोका था? मैं पूछना चाहती हूं आप लोगों से। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो। अध्यक्ष जी, नीट की परीक्षा में, पीजी के एडमिशन्स में ऑल इंडिया कोटा के तहत पिछड़ों का कोटा, पिछड़ों को इसमें प्रतिनिधित्व मिले, ये मांग भी कब से उठ रही है? 2014 में मोदी जी की सरकार है, ये तो उससे पहले से उठ रहा है विषय। क्यों नहीं चिंता की गई? क्यों नहीं चिंता की गई? क्या मोदी जी का इंतजार कर रहे थे? और आज मैं कहना चाहती हूं सभापति महोदया, इस देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी समुदाय से आने वाले युवा अभ्यर्थी राज्यों की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य से ज्यादा कट ऑफ अंक लाने का काम कर रहे हैं। कहीं योग्यता का अभाव नहीं है, कहीं काबिलियत का अभाव नहीं है। अभाव है किस चीज का? अभाव है अवसरों का, अभाव है इच्छा शक्ति का। और इस सदन में मैं कहना चाहती हूं कि दलित, पिछड़े, कमजोरों के हक में फैसले लेने की इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। इस देश के वंचित तबके को, पिछड़ों को, दलितों को, कमजोरों को मोदी जी के नेतृत्व में यकीन है, विश्वास है आपको, हो ना हो। हमें युवाओं के भविष्य की चिंता है। हमारी सरकार बताती हूं अभी, हमारी भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आपको युवाओं की ताकत पे भरोसा होना हो, हमें है। हमारी सरकार जिस दिन से आई, युवाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सृजन पे हमने ध्यान दिया। अध्यक्ष महोदय, इनमें सुनने का धैर्य नहीं, आप सुनिए। इस वर्ष 2023 दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भारत की सरकार देने का काम कर रही है। हमने मिशन रिक्रूटमेंट के तहत हमने इसकी शुरुआत की है। 7 रोजगार मेला का आयोजन हो चुका है। हर रोजगार मेला में 75,000 नौकरियों के, सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटने का हमने काम किया है। अरे आप मुझे बता दो, एक साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां आपने दी है क्या? हमारी सरकार दे रही है। हर संकल्प को हमने सिद्धि में बदला है। थोड़ा छोटा कीजिए अध्यक्ष जी, ये सरकारी नौकरियों की बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी सोच है कि हमारे युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर में तब्दील हो। मेरा अपना मंत्रालय, जिसके अंदर हमने 2016 से स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना शुरू किया। 2016 से पहले इस देश के अंदर कुछ 100 स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूं कि 2016 के बाद हमारे मंत्रालय, हमारी सरकार के प्रयासों से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बन के उभरा है। आज हमारे यहां डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज्ड,
एक लाख के करीब स्टार्टअप्स है, 99,380, और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं जो हमारे देश के युवाओं ने बनाकर खड़े किए हैं। और इससे किस हद तक रोजगार सृजन हो रहा है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अध्यक्ष जी, हमने 1.37 करोड़ युवाओं का कौशल प्रशिक्षण करके उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने का काम किया है। खेलों के बारे में कल हमारे मंत्री जी बोल चुके, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहती। अध्यक्ष महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना आर्थिक प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। और मैं इस सदन में कहना चाहती हूं कि जिस स्केल और जिस स्पीड पर, जिस स्पेस और जिस मैग्नीट्यूड से हमारी सरकार ने पूरे देश के कोने कोने में देश के समग्र संतुलित और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, चाहे वो हाईवेज का निर्माण हो, मेट्रो का विस्तार हो, 74 हवाई अड्डों से आज हम 148 हवाई अड्डों के संचालन पे पहुंच गए, 3.28 लाख किलोमीटर हमने ग्रामीण सड़कें बना दी। जिस बड़े पैमाने पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो भी रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। अध्यक्ष महोदय, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट्स आर द की ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमी, और हमारे एक्सपोर्ट्स इस वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 770 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर गए। पिछले वर्ष 676 बिलियन डॉलर के हमने एक्सपोर्ट्स की प्राप्त किए थे, तो पिछले वर्ष से इस वर्ष 13.8% की वृद्धि हुई। और अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूं तो अप्रैल से जून के बीच में हम ऑलरेडी 182 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम 2 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे। यह भारत की क्षमता है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि हमें लोकल गोज ग्लोबल, इस दिशा में आगे बढ़ना है। हम अपने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस के साथ ही अपने एक्सपोर्ट बास्केट्स को भी डाइवर्सिफाई करने में निरंतर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 2014 में 1941 करोड़ का हमारा रक्षा निर्यात था, जो आज 2022-23 में 16,000 करोड़ पहुंच चुका है। मैं बोल सकती हूँ थोड़ा? अध्यक्ष महोदय, टाइम हो गया है आपका, इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, तो बोलना है तो 2 घंटा तक बोलते रहिएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे टाइम हो गया, आप क्या बोलिए? हाँ, थोड़ा थोड़ा बोल लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा कृषि पर जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि किसानों के लिए बहुत दर्द और पीड़ा यहाँ पर हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा व्यक्त की जाती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि किसानों के लिए सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, बजट देना पड़ता है, योजनाएं लानी पड़ती हैं। 11 करोड़ से ज्यादा की धनराशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके दिखाया हमने। 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड खड़ा किया हमने, और कृषि बजट में 2013-14 से आज 2023-24 में हमने 5.7 गुना की वृद्धि की है। जो हमारा बजट 2013-14 में 21,933 करोड़ हुआ करता था, वो आज बढ़कर 1,25,036 करोड़ हो चुका है। आज देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, 265 एमएमटी से बढ़कर 323 एमएमटी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी की पहल पर बैठ जाएंगे अब इस वर्ष। मैं कंक्लूड कर देती हूँ, समय हो गया आपका। 9 वर्षों के सुशासन में हमारी सरकार ने देश को विकास की राह पर लाकर खड़ा किया है, देश को बदल के रख दिया है। और इस बदले हुए भारत की तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है। और ऐसे परिदृश्य में हमारे विपक्ष के साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये हास्यास्पद है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथियार है, लेकिन ये प्रस्ताव लाकर आपने स्वयं अपनी कलाई खोलने का काम किया है। और आने वाले चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो हमारे विपक्ष के साथियों के पैरों तले जमीन खसक जाएगी, और हमारा एनडीए 2014 के बाद 19 और उसके बाद
2024 में हैट्रिक बनाकर मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए दोबारा वापस आएगा। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद।